आंटी जी चलिए, आंटी जी उसको पकड़ रहे हैं, आंटी अरे आंटी जी हम आंटी उसको पीछा कर रहे हैं, आंटी छोड़ो आंटी जी, आ जाओ उसको पीछा कर रहे हैं आंटी जी, प्लीज चल गाड़ी गाड़ी चलो चली कर चली जी रुकिए, एक बार मुझे जाने दीजिए, उसका नंबर ही है। आरती जी कहाँ आपको हम तलाशी ले रहे हैं, आप रुकिए ठीक है। दरोगा साहब क्या हुआ, क्या कर रहा उधर, चल 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 खड़ा खड़ा यहाँ पे, चल तू भी उतार चल। क्या हुआ साहब, ट्रक क्यों रोका? मैं ट्रक रोकने के लिए बोल रहा था, तू क्यों रोका क्यों नहीं बे? अरे साहब मैंने आपको देखा ही नहीं। चल क्या इस ट्रक में? सर कुछ नहीं है, कार्टून वगैरह है सर। चल दिखा, चल चल आ जाओ। आरती जी अंदर कुछ नहीं है, तलाशी ली मैंने। मैं जानती हूँ, मेरी मुझे अंदर ही है, बस मुझे जाने दीजिए। आरती जी मैंने कहा आपसे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं पूरी की पूरी तलाशी लेकर आया हूँ अंदर। बस एक बार मेरी तसल्ली के लिए एक बार मुझे ढूंढने दीजिए प्लीज सर प्लीज। ठीक है कर लीजिए पूरी अपनी तसल्ली। आरती जी मैंने आपसे कहा था अंदर कुछ भी नहीं है, प्लीज वापिस आ जाइए। मूव,
नहीं होगा। पीछे हो जा वरना गोली मारूंगा इसको। तेरा फंसे कह रहा हूं, गन नीचे कर। पीछे पीछे हो, गोली मार दूंगा इसको। ठीक है, गन नीचे कर, अंजाम पूरा होगा। नीचे कर, पीछे हो जा। ए, लौडंगी बनकर अपनी। बच्चियों की तस्करी का बड़ा शौक है ना तुझे? बड़ा शौक है? अब जेल की हवा खाने का शौक पाल, समझा? चल चल ऊपर, चढ़ाओ चढ़ाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरती जी, मुस्कान आपकी बेटी है, इसलिए उसे आपके हवाले कर रहे हैं। बच्चियों को संभालो, चलिए। मम्मा आप ठीक तो है ना? अभी आप आ गए हो ना, तो मम्मा ठीक है, कुछ नहीं होगा। मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। आपकी मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। आज से हम एक साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। चले ले जाओ इसे, बहुत नचाया इसने, लेकिन हम सिर्फ नचाएंगे नहीं, बाकी बहुत कुछ कराएंगे इससे। एक शब्द भी नहीं बोलोगी, भूल गई अपनी शर्त? सर जी, मैं बस एक बार अपने मुस्कान को गले लगाना चाहती हूँ सर जी। बिना कैसे रहूंगी? आई मिस यू मम्मा। नहीं बेटा, हिम्मत मत हारना बेटा, हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक है? नहीं बेटा, रोते नहीं, अच्छे बच्चे कभी रोते नहीं, है ना? और मम्मा, ये मम्मा भी नहीं रोते। प्रॉमिस, प्रिंकी प्रॉमिस। Thank you.
सच सच बोल मुस्कान, कौन लेके गया था तुझे वहां, वरना सच में बहुत खराब होगा। सपना, तुम कहां जा रही हो? मुझे भी देवता अंकल मिल गए और ये सब गिफ्ट और चॉकलेट मुझे मेरे देवता अंकल देने वाले। अगर मैंने सपना का नाम लिया तो उसकी खूब पिटाई होगी। अरे ऐसे बुत जैसी क्या खड़ी है, मुंह में दही जम गया है क्या? फ्रेंड बताइए ना वहां पर क्या हुआ था। ये क्या बोलेगी, इसकी तो शक्ल बता रही है कि सारा किया धरा इसी का है, इसी ने मेरी मासूम सी बच्ची को बहला फुसला कर वहां लेकर गई होगी। सॉरी नानी, सॉरी फ्रेंड, राखी मसी सही बोल रही है, सपना को मैं ले गई थी। वो क्या है ना, मेरी सैंडल टूट गई थी तो मैंने सोचा सपना को भी साथ ले जाऊं। वो नीचे जो अंकल बैठते हैं ना, जो सैंडल चप्पल सिलाई करते हैं, उनसे ही करवा लूं, फिर वहां पे सब गड़बड़ हो गया। हजार बार तुझे बोला है लड़की की अपनी हद में रहा कर, पर तुझे समझ में नहीं आता। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, या जो कुछ भी हुआ है इससे इसे अच्छी तरह से पता चल गया होगा इस चार दीवारी के बाहर क्या क्या होता है। बहुत जल्द इस चिड़िया को अपने पर फड़फड़ाने को भी डर लगेगा और बहुत जल्द ये यहाँ के कायदे कानून अच्छे तरीके से समझ लेगी। दोस्ती अपनी जगह और रूल्स अपनी जगह। प्लीज बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम ही सपना को वहां ले गई थी? उसु, तुम्हें अपनी मम्मा की कसम, सच सच बोलो, डरो मत। मुसु, तुमने तो सैंडल पहनी हुई है, तो फिर किसकी सैंडल की कराने गई थी तुम? सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे मत मारना। सपना, तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी? राखी मसी ने तुम्हें बहुत मारा होगा ना? देखो मैं क्रीम लाई हूँ, लगा दूँ? सपना, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, प्लीज मेरे पर गुस्सा मत हो,
सुजैन मासी ने मुझे मेरी मम्मा की कसम दे दी, इसलिए सबको पता चल गया, वरना मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल भी आने नहीं देती। सॉरी सपना। तुम चली जाओ यहाँ से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मेरी फ्रेंड हो ही नहीं सकती। मुझे ना ही तुम्हारा बाम चाहिए और ना ही तुम्हारी सॉरी। सपना सपना सपना, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो सपना? क्योंकि मेरी माँ ने सपना के दिमाग में भूसा भर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब किसी के दिमाग पे पड़ा भूसा हवा से फुर करके उड़ जाता है ना, तब उसे सब समझ में आता है कौन फ्रेंड होता है और कौन नहीं। भाई अब तुम जल्दी चलो, पता नहीं इसके चक्कर में तुम्हें मारना पड़ जाए। तू अपने को बहुत चालाक समझती है। तुमने क्या सोचा, तुम यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगी और हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे? भागने से पहले अपनी लाडली के बारे में सोचा होता। भूल गई मैंने क्या कहा था? यहाँ से तू निकली और वहां तेरी बेटी की जान निकली। अब तू तो यहाँ से निकल गई, तेरी बेटी की जान का क्या होगा? मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। आपको आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, बस मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। तुमको भी देंगे, मगर तुम्हारे लिए कोई खूबसूरत सी सजा सोचनी होगी। तुम्हारी बेटी का तो मैं कितना ख्याल रखता हूं, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अरे जरा मुस्कुरा तो दे, वरना फोटो अच्छी कैसे आएगी? फोटो कैसे? फोटो अब अच्छे काम के लिए अच्छी फोटो तो भेजनी पड़ेगी ना। हमारे धंधे में फोटो से ही बायोडाटा शुरू होता है और फोटो पे ही खत्म। कहेंगे मैं नाचने को तैयार हूँ, लेकिन वो काम मुझसे मत करवाइए कि मैं अपने मुझ को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी, नहीं दिखा पाऊंगी, मत कीजिए। तुम्हारी मुस्कु तुम्हारा चेहरा देखे ना देखे, इस शहर का हर दीवाना तुम्हारा चेहरा जरूर देखेगा। और तुम वो सब कुछ करोगी जो हम चाहेंगे, क्योंकि ये बात तो तूने सरजी के सामने अपनी जुबान से कबूली है। तो अब अपनी जुबान को ज्यादा तकलीफ मत दो, वरना इधर तुम्हारी जुबान कटेगी और वहां तुम्हारी मुस्कु के पर।